सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू गेमिंग न्यूज वीडियो। सो गाइज, ये तो हमको पता ही है कि जो आइसक्रीम का चैप्टर 3 था उसमें फाइनली ईवल नन रॉड के सामने आ जाती है, मतलब सामने नहीं आती, वो उस जगह पे आ जाती है जहाँ पे फाइनली वो रॉड से मिल सकती है, जो कि है कैंपिंग एरिया। एंड एक वीडियो में ऑलरेडी आपको पहले बना के बता चुका हूँ कि जब रॉड और ईवलन आपस में एक दूसरे के आमने सामने आएंगे पहली बार, तो उनका रिएक्शन आखिर क्या होने वाला है। क्या रॉड खुश होगा, क्या ईवलन खुश होगी, क्या रॉड दुखी होगा या ईवलन दुखी, या फिर दोनों ही गुस्सा होंगे। वेल, ऐसा मुझे लग रहा है कि हमको कोई अनएक्सपेक्टेड सीन देखने को मिल सकता है। यानी जो हमको अब तक लग रहा है ना कि जो ईवलन है वो अपने बेटे रॉड के लिए बहुत ज़्यादा भावुक है, भावुक मतलब इमोशनल, कि वो तो बस उसे मतलब उससे मिलना चाहती है, उसको लेटर्स लिख रही थी, उसको बहुत दिनों से उसको याद कर रही थी। बट यहाँ पे इस चीज़ पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, वो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा आइसक्रीम के चैप्टर 3 में जब ईवलन आती है कैंपिंग एरिया में एंड वो बोलती है ओके पूरी एक्टिंग नहीं करनी, वो बोलती है इट्स ओवर, फाइनली द वेटिंग टाइम इज ओवर, आई विल फाइनली रिटर्न विद माई प्रेशियस सन। अब आप लोग बोलोगे इसमें क्या गलत है। वेल, इसमें ही सब कुछ गलत है। मतलब ये देखो, ये बोलती है कि इट्स ओवर, फाइनली द वेटिंग टाइम इज ओवर, आई वॉज रिटर्न विद माई प्रेशियस सन। एंड जब ये लाइन बोलती है ना एंड वाली, तब इसकी एक अजीब सी क्रीपी स्माइल इसके चेहरे पे आती है एंड बैकग्राउंड का म्यूज़िक भी चेंज हो जाता है, जो कि शुरुआत में काफ़ी इमोशनल टाइप लग रहा था कि मतलब ईवलन काफ़ी इमोशनल है आते टाइम। बट जैसे जैसे ये लाइन आगे आती है, इसकी ईवलन की स्माइल भी चेंज होती है, सेकंड बैकग्राउंड का म्यूज़िक भी चेंज हो जाता है। तो गाइस, इससे पता चलता है कि हो सकता है ईवलन के मन में कुछ और ही बात चल रही हो, जो कि कैप्लेरियंस वाले आने वाले आइसक्रीम में या ईवलन में रिवील करें। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि ईवलन ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया भाई? मुझे तो इसका और कोई मतलब समझ में नहीं आता। मतलब सोचो, अगर कोई इमोशनल है तो वो ऐसा रिएक्शन क्यों देगा, स्पेशली ऐसी हंसी जो ईवलन ने इस सीन में दी है। मतलब एंड में चला दूंगा, तब भी देखना। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। I will finally return with my precious son. Come a little closer. That's right. Where's your mommy, little boy? Would you like to try some of my delicious ice cream? Is anybody looking? Is anybody watching? Oh, what a beautiful child. Come here. I have a gift for you. That's right. Come a little closer. Where's your mommy, little boy? Like to try some of my delicious ice cream? Is anybody looking? Is any... I got you. They fall for the same trick every time.
It's over. Finally, the waiting time is over. I will finally return with my precious son.